तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर दो प्याजा, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम पहले डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो डालेंगे इसे हम, दो प्याज है ये रफली चॉप कर दिए हैं, और 8-10 हैं लहसुन की कलियां, और 6-7 मिर्च है, हरी वाली मिर्च है ये। आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबको हमको गोल्डन ब्राउन करना है, तो अच्छी तरह से इन सबको फ्राई कर लेंगे पहले। अब देखिए फ्राई हो चुका है ये। अब इसमें डाल देंगे हम 2 बड़े साइज का टमाटर है, इनसे 4 टुकड़ों में हम डाल दिए हैं, 4 टुकड़ा कर कर। और उसके बाद इसमें डाल दिए हैं 8-10 काजू है। इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसमें। तो इसे हम निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में, और इसे ठंडा होने देंगे। प्लेट में सारे को निकाल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे वापस फिर से तेल। तो हम सरसों का तेल डाले हैं, आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम डाल देंगे तेल, जब अच्छे से गर्म गया तो पनीर। तो पनीर को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना है इसे। तो देखिए पनीर यहाँ थोड़ा चिपक गया था, ये फ्राई हो चुका है, उसे भी निकाल लेंगे। अब वापस इसी कढ़ाई में हम, इसी तेल में डाल देंगे हम ये प्याज और शिमला मिर्च है, बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। प्याज को काट कर इसे अलग अलग निकाल लिए हम, और ये ठंडा हो चुका है। प्याज टमाटर अदरक लहसुन का जो है उसे हम डालकर जार में पेस्ट बना लेंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती का डंठल भी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इधर प्याज और शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा क्रंच होने तक बिल्कुल तेज आंच में करना है, इसे गलाना नहीं है हमें। इसे निकाल लेंगे अब, बिल्कुल 1 मिनट में बन जाता है ये, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो इन सबको अच्छी तरह हम निकाल लेंगे, और इसी कढ़ाई में पेस्ट को डाल देंगे वापस। तो इसका देखिए बिल्कुल फाइन बारीक पेस्ट बनाना है। अब इन सबको इसी तेल में हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से हम सूखे मसाले, और ये पानी भी है जार का, जो मसाला लगा हुआ था वो भी डाल देंगे हम। और मसालों में डाल देंगे हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा गोलकी का पाउडर। इन सब पाउडर को डालकर अच्छी तरह से मसालों के साथ हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, ये तीखा नहीं होता है, ये कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और इसमें डाल देंगे हम ये थोड़ा सा घी, आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। इन मसालों को बहुत अच्छी तरह भून लिए हम, साइड से तेल दिख रहा है आपको। जब मसालों में तेल अपना मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है, तो मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पतला ग्रेवी इसका अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा डाले हैं, आधा गिलास के लगभग होगा।
तो यहाँ पर डालकर अच्छी तरह मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर लगभग 2 मिनट तक पकने देंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, मसाला देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम फ्राई किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च और पनीर इसके साथ ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ग्रेवी की इतनी ही चाहिए थी मुझे, ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगेगी। तो बस ये 2 मिनट तक और इसे ढक देंगे, बस बनकर रेडी है हमारा ये पनीर दो प्याज़ा। और इस पे ऊपर से डाल देंगे हम धनिया की पत्ती, बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर कोई खाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप घर में बनाए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। बहुत ही अच्छा स्वाद आया था, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे अगर आप इस तरह बनाएंगे तो। तो चलिए हम यहाँ प्लेट में इसे निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, लाछा पराठा के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये पनीर दो प्याज़ा। कोई भी नहीं कहेगा कि आप घर पे बनाए हैं, इतना टेस्टी था ये। और इसे और भी सजा देंगे हम, थोड़ा सा और सुंदर बना दे रहे हैं उसके ऊपर धनिया पत्ती डालकर। और ये थोड़ा सा है पनीर का, हम रख लिए थे कद्दूकस करके गार्निश करने के लिए। अब लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना, तो आप एक बार इस तरह बनाकर घर में ज़रूर ट्राई करें। और मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को जलाना बजाना ना भूलें।